हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मयूरास फूडी रसोई। आज हम बनाएंगे जीरा आलू। बहुत ही फटाफट से बनने वाली सब्जी है। चाहे आप इसे टिफ़िन में रख दें, चाहे आप नाश्ते के साथ इसे पराठे पूरी के साथ परोसे, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही कम सामान के साथ में तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 उबले हुए आलू, जिसे उबाल के मैंने अच्छे से छील लिया है और हम इसे काट रहे हैं। आप किसी भी मनपसंद आकार में इसे काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली है, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के तेल। तेल गरम होते ही हम डाल रहे हैं इसमें जीरा। जीरा आलू है तो इसीलिए मैंने 1.5 छोटी चम्मच जीरा लिया है। इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी भर के हींग। गैस की फ्लेम एकदम लो कर लेते हैं और डालते हैं कुछ मसाले। इसमें डाल रही हूँ 2 कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक, आप यहाँ पे पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी पाउडर डाली है। अच्छे से भून लेते हैं इन्हें, और ये भून गए तो हम डालते हैं कटे हुए आलू। अब बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गए। अब हम फ्लेम कर लेते हैं मीडियम और डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। और इस आलू को अच्छे से भून लेते हैं और डालते हैं अब कसूरी मेथी। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर की कसूरी मेथी ली है, इसे क्रश करके डाल देते हैं। अगर आपको कसूरी मेथी ना डालनी हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आलू अच्छे से फ्राई हुए, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब डाल देते हैं मसाले। मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, और अमचूर का पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला मैंने लिया है 1/4 चम्मच। अब इन मसालों को कर लेते हैं मिक्स और हमारी जीरा आलू की सब्जी रेडी हो गई। तो इसे सर्व कर लेते हैं। अब इसमें गार्निश कर लेते हैं चॉप्ड हरे धनिए से। तो देखिए फ्रेंड्स, जीरा आलू की सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। परोसिए गर्मा गर्म फुलके के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, आपको इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। इस रेसिपी वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।